ममता बनर्जी का राजनीति में आगाज धरना प्रदर्शन के साथ हुआ। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति का ये स्टाइल मास लीडर, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी जारी रखा। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जो विरोधी मुख्यमंत्री के चेंबर में भी धरने पर बैठ चुकी हैं। ममता बनर्जी का ये स्टाइल, उनका ये जुझारूपन उन्हें सबसे अलग बनाता है और जाहिर सी बात है लोगों को अचंभित भी करता है। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा कार्ड उनका विक्टिम कार्ड है। उन पर जब जब हमला हुआ, उन पर जब जब मुसीबत आई, उनके साथ लोगों की सहानुभूति आई और उन्हें भर भर कर वोट भी हासिल हुए। ममता बनर्जी किस मिट्टी की बनी है, उनका राजनीति का स्टाइल क्या है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में इक्का द विक्टिम कार्ड। November 25, 1992 ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता। कांग्रेस विकल्प बीजेपी नय एवं बीजेपी विकल्प कांग्रेस नय तृणमूल कांग्रेस आज देश विकल्प एटा माथा रखबे। ब्रिगेड ग्राउंड खचाखच भरा था। ममता बनर्जी के एक आह्वान पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जनसैलाब उमड़ आया था। दीदी की रैली में इतनी भीड़ पहले कभी शायद ही देखी गई थी। रैली में ममता बनर्जी आईं तो उनके इरादे से कुछ जाहिर नहीं हुआ, लेकिन स्टेज पर बहुत बड़ा घंटा लगाया गया था। इस घंटे को ममता बनर्जी ने नाम दिया मृत्यु घंटा। घंटा बजाकर ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया उसे सुनकर रैली में सन्नाटा पसर गया। ममता बनर्जी ने केंद्रीय युवा खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने संघर्ष का रास्ता चुना जिसकी मंजिल सिर्फ एक थी, कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग। ब्रिगेड ग्राउंड पर डेथ बेल बजाकर ममता बनर्जी ने बंगाल से लेफ्ट सरकार के खात्मे की कसम खाई। इसके अगले ही साल ममता बनर्जी ने लाल किले में सेंधमारी शुरू कर दी। 21 जुलाई 1993 बंगाल में चुनावी धांधली और फर्जी वोटर आई कार्ड की जांच के लिए ममता धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई जिसमें एक दर्जन लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी भी इसमें बुरी तरह जख्मी हो गई। घायल दीदी की सेहत जैसे ही सुधरी उन्होंने बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दफ्तर में ही धरना शुरू कर दिया। राइटर्स बिल्डिंग में सीएम के चैंबर में ममता बनर्जी 3 घंटे तक धरने पर बैठी रही। मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उनसे मिलने से मना कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने ममता बनर्जी को घसीट कर राइटर्स बिल्डिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद ऐसी बदसलूकियां कई बार उन्होंने झेली। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाने के बाद ममता बनर्जी की मौत की अफवाह भी उड़ी थी। कोलकाता के गोल पार्क में बेदी भवन है, यहाँ एक बस्ती थी, अवैध बस्ती। अदालत ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई शुरू की तो ममता बनर्जी ने विरोध किया। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो गई। गोल पार्क की मारपीट में ममता बनर्जी को भी चोट लगी जिसके बाद बंगाल में उनकी मौत की अफवाह उड़ा दी। दीदी की मौत की अफवाह पर बंगाल सुलग उठा, उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारियां हुई। इस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी का जनाधार बहुत बढ़ा जिसके कुछ ही सालों बाद उन्हें बंगाल में लाल दुर्ग ढहाने का मौका मिल गया। 30 नवंबर 2006 विधान भवन कोलकाता। गुस्से से तमतमाई ममता बनर्जी चीख रही थी, उन्हें पुलिस ने धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। ममता बनर्जी तब सांसद थी लेकिन धरना देने बंगाल विधान भवन जा पहुंची। जहां उन्होंने पुलिस वालों पर मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने बंगाल असेंबली में जमकर तोड़फोड़ की। 12 घंटे तक बंगाल बंद रहा। ये नंदीग्राम सिंगूर जमीन अधिग्रहण के विरोध की शुरुआत थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम आंदोलन में सबसे गंभीर हिंसा हुई। पुलिस गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई। नंदीग्राम नरसंहार के बाद पूरा बंगाल जल उठा। सरकारी बसें चला दी गई,
रेल पटरियां उखाड़ दी गईं। किसानों के गुस्से को आंदोलन की शक्ल देकर ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में वामपंथियों की 34 साल की सत्ता का अंत कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।